नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो भी फ्रेंड पेटीएम से रिलेटेड होने वाली है। पेटीएम की लगातार सीरीज में इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड कि ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो अपने पेटीएम को यूज करने में, क्योंकि मैंने आपको इसी चैनल में काफी सारी पेटीएम की वीडियो दिया, जैसे पेटीएम कस्टमर केयर से कैसे बात करें, पेटीएम डेबिट कार्ड पिन कैसे एक्टिवेट करें, पेटीएम कार्ड को अनबॉक्सिंग करके भी दिखाया, पेटीएम डेबिट कार्ड को मैंने ऑनलाइन ट्रैक करने की जानकारी भी दी है, पेटीएम में आप डेबिट कार्ड किस तरह ऑर्डर कर सकते हैं, पेटीएम में किस तरह बैंक अकाउंट बना सकते हैं, पेटीएम में किस तरह आधार कार्ड आप लिंक कर सकते हैं। ये सब सारी की सारी जानकारी मैंने आपको अपने इसी चैनल में दी है। और यदि आप इस सारी की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल हिंदी सेल गुरु को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए पेटीएम से नहीं और भी काफ़ी सारी जानकारी की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन निमरी है, मेरे YouTube चैनल हिंदी सेल गुरु में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि पेटीएम डेबिट कार्ड में क्या क्या चार्जेस है, पेटीएम पासबुक में क्या क्या चार्जेस है, या पेटीएम चेकबुक में क्या क्या चार्जेस है, कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने में कितना चार्जेस है, कितना इंटरेस्ट है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं दूंगा, ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, सारे के सारे पॉइंट आप एग्जैक्टली जान लें, तभी आप अपना पेटीएम डेबिट कार्ड ले और पेटीएम में अकाउंट ओपन करें। और पेटीएम के बेनिफिट भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों पेटीएम किस तरह बेनिफिट दे रहा है हमको ऑनलाइन में। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी करें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या करें फ्रेंड, अपने टॉप गूगल बार पे आप ये लिख लें www.paytmbank.com, ठीक है। वहां जाके जैसे आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहां पेटीएम बैंक चार्जेस की लिस्ट आ जाएगी, और वहीं पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी तेलुगु काफी सारी लैंग्वेज है, जो आपको पसंद है वो कर लें। मैं आपको हिंदी में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जो आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारे ठीक है इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह लोग जान लेते हैं, मगर हिंदी को समझने वाले मेरे हिसाब से आज भी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं हिंदी में ही आपको पूरा क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट जब भी हम ओपन कराते हैं फ्रेंड जीरा, तो उसमें न्यूनतम जो बैलेंस अकाउंट है शून्य है, मतलब इसमें आप कोई भी पैसा ना रखें तो कोई भी चार्ज आपको नहीं लगेगा। जैसे अदर उसमें है, जैसे हम SBI या PNB की बात कर लें तो मेट्रो सिटी में 5,000 रुपये रखने जरूरी है, और आपके रूरल पैलेस में 3,000 रुपये रखने जरूरी है, तो इस तरह की है। मगर अगर आप पेटीएम में अकाउंट खुलाते हैं तो ये बिल्कुल शून्य है। देन सेकेंड, इसकी जो ब्याज दर है वो 4% प्रतिवर्ष की दी है, जो अदर बैंकों में प्राइवेट सेक्टर में कई बैंकों में 6% है, मगर इसमें अभी 4% है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी SBI PNB इन सब पे 4% ही प्रतिवर्ष है, ठीक है। SMS अलर्ट, किसी भी आप बैंक का अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे SMS अलर्ट निःशुल्क नहीं है, चाहे OBC हो, चाहे PNB हो, चाहे SBI हो, चाहे HDFC हो, चाहे ICICI हो, सब में SMS अलर्ट के कुछ ना कुछ पैसे ले जाते हैं, मगर यहाँ पे पेटीएम में अकाउंट खोलने के बाद आपको बिल्कुल ही ये निःशुल्क मिलेगा, आपको कोई SMS का चार्ज नहीं मिलेगा। देन इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, डेबिट कार्ड और चेकबुक के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूँ। डेबिट और चेकबुक में क्या है, अगर डिजिटल रूप पे डेबिट कार्ड, यानी आप पे जो हम अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे डिजिटल रूप पे डेबिट कार्ड अगर आता है उसका कोई चार्ज नहीं है, वो निःशुल्क है। मगर डिजिटल रूप पे डेबिट कार्ड यानी जो आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके अंदर एक डेबिट कार्ड शो होता है, जब हम अपना वहाँ अकाउंट शो ओपन करते हैं डेबिट कार्ड में, तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया किस तरह दिखाई देता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वो तो निःशुल्क है। बट फ्रेंड, अगर आप फिजिकली रूप से डेबिट कार्ड जमा करना लेना चाहते हैं पेटीएम वालों से, जो हम अदर बैंकों का जैसे यूज करते हैं, SBI का यूज करते हैं, OBC का यूज करते हैं, PNB का, तो उसका 120 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा एक बार में, और सालाना 100 रुपये शुल्क इसके, मतलब शुरू में जो आप लोगे वो 120 रुपये का, उसके बाद आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। और मान लो कि कल के दिन आपका कार्ड गुम हो जाता है या कहीं से रिप्लेसमेंट होता है, खो जाता है, तो आपको इसको 100 रुपये और देने पड़ेंगे नया लेने के लिए। चेकबुक को 10 लेवल चेकबुक की 100 रुपये, मतलब 10 चेकबुक के पेज आपको करीबन 100 रुपये के आसपास इसके आपको परचेस करने पड़ेंगे, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये सब्सक्रिप्शन जो इसका डेबिट कार्ड का, ये भी ज़्यादा नहीं है। अदर बैंकों में 150, 170 और कई कई बैंकों में 250 या 500, प्राइवेट सेक्टर में भी है, जैसे HDFC में जाओगे या ICICI में जाओगे तो 350 से 550 रुपये इसका ओनली 100 रुपये, यदि आपका खो जाता है तो नया मिल जाएगा आपको 100 रुपये का।
इसी के ठीक सामने मैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के बारे में बात बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर बैंक काफ़ी चार्जेस लेते हैं। यदि IMPS करोगे आप, जो भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं उनको इसका मतलब पता होगा, ये निःशुल्क है। और जगह कई जगह हमारे पे 20-25 रुपये तक का हम पे अधिभार लगता है, ठीक है। UPI से बिल्कुल निःशुल्क है। यदि हम UPI के थ्रू पेटीएम करते हैं तो ये बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर UPI के थ्रू जाते हैं या पेटीएम के थ्रू जाते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क है। NFT अदर बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर में जैसे मेरा HDFC में तो 25 रुपये तक जाता है, 20 रुपये तक जाता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में 17 रुपये से लेकर 25 रुपये तक जाता है। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे इसकी, इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंट खोला फ्रेंड, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर काफ़ी निःशुल्क है। NFT बिल्कुल ही निःशुल्क है, ठीक है। किसी अन्य पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते या वॉलेट में निःशुल्क, यानी किसी आप पेटीएम से पेटीएम डालोगे तो बिल्कुल निःशुल्क है, पेमेंट्स बैंक में डालोगे तो वे बिल्कुल निःशुल्क है, और वॉलेट में रखोगे वो भी निःशुल्क है। यदि अगर हम और किसी में जाते हैं जैसे SBI to SBI जाते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं पेटीएम से, तो उसका कोई ना कोई शुल्क लगता है, या PNB का भी कोई ना कोई शुल्क लगता है, या SBI का भी कोई ना कोई शुल्क लगता है, या HDFC का भी कोई ना कोई हमें शुल्क लगता है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना जरूर अकाउंट खोलें। ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें निःशुल्क देता है, और खासकर ऑनलाइन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ही सबसे ज़्यादा जमाना है। NFT, UPI, IPM ये सब चीज़ें हमारे जीवन का एक आधारशिला बन गई है। इसके बिना हम अपने पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इसका ये बिल्कुल निःशुल्क है। जो अदर बैंकों में हमें शुल्क लगता है तो हम अदर बैंकों की तरफ क्यों जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट में खाता खुलाना जरूरी होता है तो वहाँ एक आधा खाता ओपन करके आप रख सकते हैं। यदि ऑनलाइन ट्रांसफर करना तो इसको आप यूज करें, ठीक है। शुल्क की अनुसूची पेटीएम वॉलेट से भी बताता हूँ। पेटीएम में पैसे लोड करने बिल्कुल शून्य, यानी आप पेटीएम में पैसे डालोगे अपने में तो बिल्कुल शून्य। अदर बैंकों में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 5 बार निकाल सकते हैं और 5 बार डाल सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पे चार्जेस लगेंगे, यहाँ बिल्कुल शून्य। मर्चेंट साइट पर खरीद, किसी भी साइट पर हम खरीदते हैं तो शून्य। अदर साइडों पर हमारे पे टैक्स लगता है, और हमारे को कुछ पैसे कटते हैं हमारे वॉलेट से और हमारे पेटीएम या हमारे अकाउंट से, तो ये भी बहुत अच्छी है। पेटीएम से पेटीएम वॉलेट बिल्कुल ट्रांसफर करना बिल्कुल फ्री है, यानी पेटीएम पे आप अगर आपका अकाउंट और सामने वाले का भी पेटीएम में अकाउंट है तो आप अगर उसे वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी सुनने। जो अदर बैंकों में चार्जेस है ये बहुत अच्छा है। पेटीएम वॉलेट से बैंक ट्रांसफर मूल ग्राहक, पेटीएम वॉलेट से बैंक ट्रांसफर मूल ग्राहक को 3% है, ये याद रखना। पेटीएम वॉलेट से यदि हम बैंक ट्रांसफर करते हैं मूल ग्राहक यानी किसी और के उसमें, तो 3% मूल ग्राहक पे 3% चार्जेस है। पेटीएम वॉलेट से बैंक ट्रांसफर KYC ग्राहक के लिए 3% है, यानी पेटीएम वॉलेट जो आपका पड़ा है और वो पैसा आप बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो तो KYC ग्राहक के लिए 3% शुरू में चार्जेस है, ये भी बहुत ही कम है। अदर बैंकों में 5% के आसपास है। पेटीएम वॉलेट से बैंक ट्रांसफर व्यावसायिक प्रणाली, यानी पेटीएम वॉलेट से यदि हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं, ये बिजनेसमैन के लिए, तो उनके लिए काफ़ी सारी शर्तें हैं जो आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। अलग अलग शर्तों के अनुसार ये वर्क करता है। स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन पासबुक आप ले रहे हो तो निःशुल्क ऑनलाइन पासबुक है ईमेल स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यदि हम हमारा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट कहीं है, सपोज कि हमारा करंट अकाउंट कहीं है और या सेविंग अकाउंट है, तो हमारी पासबुक यदि नई बनती है तो उसका 100 रुपये चार्ज लगता है, और कभी कभार हमें करंट अकाउंट में स्टेटमेंट मंगानी पड़ती है या निकालनी पड़ती है, तो उसके करीबन करीबन 40-50 रुपये लगते हैं, जो कि पेटीएम हमें बिल्कुल ही निःशुल्क देता है। तो क्यों ना फ्रेंड हम इसमें खाता खुलाएं, पेटीएम जब हमें इतनी सारी सुविधा दे रहा है। ईमेल स्टेटमेंट निःशुल्क है, और काफ़ी बैंकों में ये है, काफ़ी बैंकों में नहीं है। ईमेल हमें अधिकतर बैंकों में निःशुल्क ही मिलती है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो हमें उसका चार्जेस देना पड़ता है। फिजिकल स्टेटमेंट सर्टिफिकेट 50 रुपये वितरण शुल्क, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, सशस्त्र बल कर्मचारियों के लिए निःशुल्क। फिजिकल स्टेटमेंट सर्टिफिकेट यानी फिजिकल आप स्टेटमेंट लेते हैं जाके तो 50 रुपये देने पड़ते हैं हमें इसके, और वितरण शुल्क महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों और सशस्त्र बल जो कर्मचारी हैं इनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बल्कि हमारे गवर्नमेंट साइट में इन पे सबके पैसा लगता है, चाहे महिला हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन और आंसर करना चाहते हैं तो इनका यह हैव ए मोर क्वेश्चन, यहाँ पे आप रीड क्वेश्चन और FNQ कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन और अपने आंसर पूछ सकते हो, तो ये आपको बिल्कुल इसके बारे में जानकारी देंगे। ये इनका ब्लॉग है, ब्लॉग में जाके नई नई जानकारी जितनी भी आती है आप यहाँ से अपडेट इनका पा सकते हैं। ब्लॉग इनके फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा। सेफ्टी और सिक्योरिटी अच्छी है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ जाके देख सकते हैं, और भी बाकी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, चाहे वो स्टेटमेंट सर्टिफिकेट की थी, चाहे शुल्क और अनुसूची पेटीएम वॉलेट की थी, या फिर आपके डेबिट कार्ड और चेकबुक के बारे में जानकारी थी, ऑनलाइन ट्रांसफर के बारे में थी। जो ऑनलाइन मुझे सबसे बढ़िया, मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो इतने IMPS और
आई निःशुल्क और NFT सबसे ज़्यादा निःशुल्क, जो अदर बैंकों को काफ़ी चार्ज देता है, इसलिए हमें यहाँ पे अकाउंट जरूर खुलाना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेट्रो लोकेशन मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रत्येक महीने 3 ट्रांजेक्शन मुफ्त है। उसके बाद का क्या है, मेट्रो लोकेशन के लिए आप ध्यान दें, ATM द्वारा लेन देन जो इनका मेट्रो लोकेशन पे, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रत्येक 3 ट्रांजेक्शन मुफ्त है। उसके बाद नगद निकासी के 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन है, ठीक। और मिनी स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस, पिन बदलने के 5 रुपये ट्रांजेक्शन ये लेगा। ये सब मेट्रो लोकेशन के लिए, मेट्रो लोकेशन यानी दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, जितने भी मेट्रो लोकेशन है उनके लिए। नॉन मेट्रो लोकेशन, अब नॉन मेट्रो लोकेशन की तरफ आ जाते हैं, ऊपर दिए गए 6 शहरों के अलावा प्रत्येक महीने 5 ट्रांजेक्शन आप मुफ्त कर सकते हो, यानी मेट्रो स्टेशन पे 3 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आप नॉन मेट्रो लोकेशन में 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त कर सकते हो। नगर निशा की निकासी के 20 रुपये ट्रांजेक्शन है, यहाँ भी 20 रुपये ट्रांजेक्शन नहीं है। मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन बदलना 5 रुपये ट्रांजेक्शन नहीं है, और यहाँ पे भी 5 रुपये ट्रांजेक्शन ही है। यानी आप मेट्रो और नॉन मेट्रो, यानी मेट्रो और अर्बन, इन दोनों में अंतर है, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाकी चार्जेस सेम टू सेम है दोनों जगह। और नॉन मेट्रो के बाद रूलर पे आते हैं, तो रूलर के बारे में अभी इन्होंने कोई गाइडलाइन दी है फ्रेंड, ये रहा नोट नीचे की तरफ। मेट्रो नॉन मेट्रो ट्रांजेक्शन के मामले 6 मेट्रो लोकेशन में 3 मुफ्त ट्रांजेक्शन, अधिकतम 5 है। और रेट GST है, यानी छठी बार जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो रेट 18% GST इसमें शामिल रहेगा आपका। तो ये सेम SBI या HDFC की तरह ही है, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है। मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक, पिन बदलने के 5 रुपये ट्रांजेक्शन है, जो सभी बैंकों में करीबन है बैलेंस चेक करने का। तो फ्रेंड, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पेटीएम बैंक में ज़रूर आप खाता खुलाएं, ये बहुत ही सेफ और सिक्योर है। मैंने खुला रखा, मैं अधिकतर इसमें ही वर्क अप कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी और ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम आएगी। यदि आपको लगता है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि पेटीएम में अकाउंट खोलना हमारे लिए क्यों अनिवार्य हो गया है या क्यों हमें पेटीएम में अकाउंट खोलना चाहिए। और जो भी कोई नया मेहमान मेरे इस यूट्यूब चैनल में आया, उनसे मेरा निवेदन है कि फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की एक काम की वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ। पेटीएम से नहीं, आप मेरे जब चैनल पे आओगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी, ब्लॉग से संबंधित मिल जाएगी और भी आपको ऐप्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।